Really? My God. There you go. फ्रेंड्स, बहुत एक इंटरेस्टिंग न्यूज मिली मेरे को अभी, गूगल पे मिली है। सब गूगल यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ कुछ चीजों के लिए। अब आपको पता नहीं, मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा, आपको शायद सरप्राइज होगा। आपको लगता है कितने कंट्रीज हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पर? आज इस गूगल 195 कंट्रीज हैं, और उन कंट्रीज में हमारी पॉपुलेशन है राउंड अबाउट 786 करोड़ राउंड अबाउट है। तो अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में आपको लगता है कितने आर्टिस्ट होंगे वर्ल्ड में? मेरे ख्याल से 2-3 लाख आर्टिस्ट तो होंगे एटलीस्ट। और उन 2-3 लाख आर्टिस्ट में आपको लगता है कितने ऐसे आर्टिस्ट होंगे जो टॉप 10 कैटेगरीज या टॉप आर्टिस्ट में होंगे? और उन आर्टिस्ट में भी इंडिया से कितने आर्टिस्ट होंगे? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। लेट मी चेक। And also in world best tattoo artist category goes to, let's hum decide karte hain 10 best artist, 1 2 3 4 5 6, there you go, our boy comes on number 6. Cheers man, it's the moment of proud actually. फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको कुछ सर्च करके कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करी मैंने आपसे, एंड दिस इज द मोमेंट आई फील वेरी एक्साइटेड एंड ऑल्सो बहुत गर्व महसूस हो रहा है मुझे। अ पर्सन बिकम वर्ल्ड टॉप 10 टैटू आर्टिस्ट एंड द गाय इज फ्रॉम इंडिया। गाइस, कोई भी काम करने के लिए ना आपको डेडिकेशन, पैशन की बहुत ज़रूरत होती है एंड फोकस। तो फ्रेंड्स, आज मैं इनसे आपको मिलवाऊंगा एंड वी गोना टॉक एंड डिस्कस अबाउट हिज करियर। ऑल्सो ही इज अ सिगार एंथुसियास्ट। या दिस इज समथिंग वेरी कॉमन एंड इंटरेस्टिंग, दैट्स समथिंग ब्रिंग्स मी हेयर कि अपने फ्रेंड के साथ मैं बैठूं, शेयर करूं, सेलिब्रेट करूं, और लाइव ऑन द शो मैं आपको उनकी लाइफ जर्नी, उनकी टैटू आर्टिस्ट जर्नी के बारे में चीज़ें एंड इंफॉर्मेशन शेयर करूं। सो गाइस, बी विद मी फ्रेंड्स, आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू विद द लेजेंडरी आर्टिस्ट, वेरी गुड फ्रेंड एंड अ सिगार एंथुसियास्ट, लोकेश वर्मा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, द लेजेंडरी आर्टिस्ट, लेजेंडरी टैटू आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, एंड इफ यू गो ऑन अ गूगल, यू सर्च बेस्ट टैटू आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड, आपको वहां पर लोकेश वर्मा मिलेंगे। सो लोकेश, थैंक यू, वेरी ओल्ड फ्रेंड, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रदर, माय प्लेजर ब्रदर। सो अचीविंग दिस टाइटल, इट मेक्स मी प्राउड, आई थिंक पूरे देश को आपके ऊपर गर्व है आज कि आपने, बिलियंस ऑफ लोग रहते हैं इस प्लैनेट पे और आपने वो टाइटल को अचीव किया। आई थिंक काफी सारा हार्डवर्क और काफी सारी मतलब डेडिकेशन चाहिए होगा आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए, जो कि आपने किया होगा अपनी लाइफ में। लाइक यू नो, वी कैन अचीव एनीथिंग, बट यू नीड टू हैव अ पैशन, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क। सो लोकेश डिड दैट, सो कन्वर्सेशन चलता रहेगा लोकेश के साथ में अभी, बिकॉज वन मोर थिंग आई वांट टेल यू गाइज, बहुत अच्छे और बहुत पुराने फ्रेंड है मेरे, एंड वी ऑल्सो बिलोंग्स टू सेम कम्युनिटी, ऑल्सो वी हैव सेम आर्मी बैकग्राउंड, एंड ही इज ऑल्सो इन टू सिगार, राइट? या, ऑल बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू, ऑलवेज मैन, गो फॉर इट। या, मैं लो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑस्ट्रेलिया, या, दैट्स इट मैन।
People who don't know, we have an Australian connection also. Older. Yes, and when I was living in Australia, Lokesh was there as well for some time moment. We traveled together Australia. Yeah. So Lokesh, lot of similarities. I know him for a decade, and you know he's one of the like one of the gems that I know, one of the real true guys from my. He was a client first, and then he became a good friend because he's a gem of a person, gem basically. So, best of luck with your cigar channel and thank the you cigars so that you're introducing in India. Thank you. Lokesh, the surprise of cigar I bring it to you is a Connecticut. It's actually very smooth and very creamy cigar, which goes very good with the red wine. Yeah. So, I know that you like red wine. Bahut pasand hai. Right. So, perfect. Blend hai uske saath, and the cigar origin of cigar is the Dominican Republic. They famous for the one of growing one of the best Connecticut tobacco. So I hope ki aap enjoy karenge, aur main bhi jo cigar smoke kar raha hu similar origin hai, but different blend actually. Okay. But they have a similar sort of taste in with the pairing of red wine. Red wine. So yeah. Red wine ki pairing ke saath mein jo hum aaj smoke karenge wo Connecticut based Dominican Republic tobacco se bane hue cigar hai guys. There you go. Taste pretty mellow. Very mellow. I think one of the mildest cigars. Mildest, yeah. You reckon? Yeah. So guys, toast and the cigar for the Lokesh. Although Varma. I don't smoke, but cigar is something, or wine, which I some occasionally smoke sometimes, because cigarettes I don't like anyway. So cheers. Cheers, bro. Cheers for your success and your achievement of life. To you too, for your new channel. Wow. The taste in the mouth is become, it's totally different, you know. Yeah. Actually, main jo feel kar raha hu, note kar raha hu, jo red wine ke saath mein, it's like a cherry, little bit cherry, and you know, a little bit of vanilla, exactly. Vanilla extract. Yeah, yeah, very little mild spicy with vanilla and yeah, cherry. So, Lokesh, while we on the camera, actually, why don't you share some of your journey? जो आपने अपने अचीवमेंट किए जो अपनी लाइफ में और कैसे वो स्टार्ट हुआ लाइक व्हाई आर्टिस्ट एंड व्हाई टैटू आर्टिस्ट एक्चुअली ओके सो पीपल हु डोंट नो मी आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज स्ट्रेट आउट ऑफ स्कूल 17 इयर्स ओल्ड एंड आई वाज ऑलवेज हसलिंग एंड डूइंग सम ऑफ ऑल द अदर जॉब्स टू मेक माय एंड्स मीट बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड आर्मी बैकग्राउंड वेरी मिडिल क्लास And my father was retired, he was not finding a job, so we had some tough times. And so I started doing everything from mopping floors at McDonald's, you know, sweeping and cleaning, you know, everything, whatever you do at McDonald's, to the toughest part of the life. Yeah. And that part aapko hamesha kuch na kuch sikhata. Dekhiye zindagi mein kya hota hai na, nothing is easy in life. Agar aapko kuch pana hai na, to aapko hamesha uske liye हार्ड वर्क डेडिकेशन और पैशन चाहिए और लोकेश के अंदर वो था जैसे लोकेश ने अचीव किया आप भी अचीव कर सकते हैं तो मैं इनकी इंस्पायरिंग स्टोरी इसीलिए कैमरे पर लाइव लेकर आऊं ताकि ऑल यू गाइस कैन लर्न समथिंग फ्रॉम हिम आल्सो आई विल लर्न फ्रॉम हिम व्हिच वी कैन इंप्लीमेंट हम अपनी लाइफ में भी और हम उससे आगे कुछ सीख सकें और आगे बढ़ सकें या लोकेश प्लीज कैरी ऑन सो आई वॉज डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ जॉब्स एंड देन वन ऑफ माई अंकल हैड दिस डीजे कंसोल So, unka DJ was not well and they had an urgent party. So, I always used to try my hands on it, not professionally, but I had an idea ki kaise isko operate karte hain. So, I started, you know, I said I can, you know, be that guy for this night and I can, you know, play some decent tracks. And when I played in that party for the first time and, you know, everyone really liked it and my uncle especially was amazed. So,
he started giving me regular contracts to play at gigs. Oh, that's great. So I started playing DJ. I was doing my MBA. I was going to the college in the morning. I was doing another part-time job in the afternoon. In the nights, I used to do DJing. And then I spotted someone with a tattoo. And that time, early 2000s, was tattoos bahut rare the. Matlab, India mein. Yeah, actually, friends, tattoos 2000 mein, it's like ki you will found one in 1000 people ki kisi ke paas tattoo bana hua hai, aur wo bhi chote mote tattoos hote the, hidden ones. Aaj se 20 saal pehle. So, I was around 18, 20 that time. So, maine dekha and I was fascinated by it. So then I started to research about this time Google or YouTube bhi nahi hota tha. Google shayad hota ho, very nascent stage, but YouTube yeah. did not exist. So mere paas koi tutorials nahi the dekhne ke liye. Maine kisi se import karai tattoo machine, jo maine paise apne thode bahut jode the. And purely because mere ko tattoos mein interest tha aur mere ko apne upar tattoo karna, this was my first tattoo that I did on my own. So purely out of passion, no commercial purposes, ke main tattoo apne upar karke, you know, I want to explore this art. This is how I started. मेरा मैं MBA कर रहा था, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मैं tattoo artist बनूंगा. Yeah, that's right. But army brats हैं तो parents की तरफ से काफी pressure होता है, middle class family से हैं ये भी और मैं भी, और काफी pressure होता है कि भाई पढ़ लिखो और आगे बढ़ो, engineer बनो, doctor बनो, जो भी बनो, लेकिन वेले मत रहो. तो और आप लोग जानते हैं जो middle class family से हैं, guys देखिए हर इंसान सक्सेस होना चाहता है आज की डेट में, यू नो सभी को सक्सेस अच्छी लगती है, बट स्टोरी सबकी डिफरेंट होती है उस सक्सेस तक जाने के लिए. यही एक बात है जिसलिए मैं लोकेश को लेकर आया, ताकि लोकेश अपनी बातें बताएं, अपनी शेयर करें और ऐसे ही हम इंजॉय करते रहेंगे. सो लोकेश सर, व्हेन यू डिड द फर्स्ट टैटू इन योर लाइफ, लाइक द प्रॉपर टैटू टू समवन? ऑन समवन आई डिड आई थिंक इन 2003 आई स्टार्टेड. And 2005 mein I opened my first studio. So 2003 se 5 tak I was just tattooing myself and my friends and all. Okay. So हाँ, तो कुछ भी नहीं पता था कैसे टैटू करना है, अपनी नीडल भी कैसे लगेगी मशीन में, कुछ नहीं पता था. कोई यूट्यूब भी नहीं होता था, कोई बताने वाला भी नहीं था. बताने वाला, या बैक इन टाइम, लाइक उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, लाइक द ओल्ड डेज. सो फिगर आउट किया अपने आप, you know, I did this part, मेरा हाथ यहाँ पे नहीं पहुंच रहा था. I gave the machine to my sister, can you do this part? Oh my god. And she can draw better than me. So she did this part. This is her also first tattoo. She's not a tattoo artist. Okay. But she, you know, she did this part of the tattoo and which still is very good. So हम लोग ऐसे ही थे, मतलब जो करना है वो करना ही. So guys, amateur थे लेकिन focus था, और वो focus है ना, आज वो इनको यहाँ तक ले आया. This is very inspiring actually, Lokesh. Commercially, कब आप market में like full on कि हाँ अब this is a brand name and what is the story behind the devil's tattoo actually? So devils, as you know, I don't believe in, you know, religion or caste or India में जो भी ऐसे चलता है. So I was an atheist, I still am, and I believe everyone is created equal. ये लोगों ने बनाए हैं जो religions and all. So just to piss off the religious people, I just kept this name. There is nothing, no other story behind it. Okay. And also when I used to play the DJ, my friends used to call me DJ Devil. YouTube, I don't know why. Okay, name stuck with me. So when I opened the studio, 18-year-old Devils, this name just stuck with me since now I cannot change it, but it's my brand identity. So that's how I started. And which is world famous now. Thank you. After some time when I started tattooing myself and my friends, actually उस time मेरे को लोग नहीं मिलते थे tattoo करने के लिए, क्योंकि किसी के parents allowed नहीं करते थे. I can imagine कि उस time पे क्या इतना scope था नहीं, और लोगों में interest नहीं था actually. हाँ, और India में लोगों को अपने decision usually खुद लेते नहीं है, वो parents से पूछते हैं. That's right. तो कोई मिलता नहीं था, तो आई वाज एक्चुअली रेडी टू पे पीपल कि आप टैटू कराओ, मैं आपको पैसे देता हूँ जो भी थे. सो गाइस, स्टोरी अपसाइड डाउन थी. आज की रेट में ये लोग इनको पैसे देते हैं कि एंड अपॉइंटमेंट लेके पैसे देते हैं कि टैटू करिए. बैक इन अ टाइम लोकेश वर्मा वाज गिविंग यू मनी टू कम एंड हैव द टैटू विद हिम. वाओ, या सो दैट्स लिटिल फनी, बट हां, सो पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माय आर्ट 2005 तक. Lot of people knew my friend's friend. अब उनका टैटू करना था और मेरे पास इक्विपमेंट्स खत्म हो गए थे, पैसे थे नहीं क्योंकि मैं और कुछ कर नहीं रहा था इसके साथ में. सो आई स्टार्टेड चार्जिंग देम अ लिटिल बिट जस्ट फॉर द नीडल और इक्विपमेंट्स के पैसे निकल जाएं. बेसिक नीड्स, हां, बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उससे कोई पैसे नहीं कमाने. मेरा तब भी कोई एम नहीं था टैटू करने का. सो 2005 में मेरे फ्रेंड का सलोन था प्रिया पे, एंड वी डिस्कस की क्यों ना हम यहाँ पे छोटा था, यू नो 8x8 का रूम था छोटा सा, यहाँ पे हम टैटू स्टार्ट करते हैं. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड, एंड आई स्टार्टेड making more money just by working on the weekends than I was doing it in my job.
पूरा एक महीना काम करके और यहाँ पे सिर्फ सैटरडे संडे काम करके आई वाज मेकिंग एक्चुअली 3-4 times मोर मनी जस्ट बाय डूइंग टैटूज बिकॉज़ पीपल स्टार्टेड लाइकिंग माय आर्ट एंड दिल्ली में उस टाइम ज्यादा टैटू आर्टिस्ट बेयरली आई थिंक कोई एक आध टैटू आर्टिस्ट होगा उस टाइम सी गाइस यहाँ पे दो बातें हैं ओके फर्स्ट टाइम ही वॉज द ओनली गाय हु वॉज डूइंग समथिंग वेरी क्रिएटिव वेरी आर्टिस्टिक बट पीपल वॉज नॉट इंटरेस्टिंग अनदर He was the only guy, so he don't have to face the competition. So it was a happening and it was a challenging as well, right? Lokesh, I think I'm right about this. Exactly, it was very happening in that time. It was super super cool to do tattoos or spot someone having a tattoo on the road. तो ऐसे दिखता नहीं था, बहुत ही rare था. Rare, yeah, exactly. And difficult भी था, of course, क्योंकि client नहीं थे. बट हफ्ते में एक अपॉइंटमेंट होती थी, महीने के मैं 4-5 टैटूज करता था और मेरी उस टाइम जॉब में से मुझे 8 या 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड मिलता होगा एमबीए के साथ जो मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था बट आई वाज मेकिंग 30-40 thousand बाय डूइंग टैटूज बट माय पेरेंट्स थॉट इट्स नॉट सस्टेनेबल ये चलेगा नहीं चलेगा टैटू कौन कराता है डेफिनेटली आज तक भी कई लोगों को डाउट होता है मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि कैसा प्रोफेशन है तो करेगा कि नहीं बट इंडिया में बेसिकली देयर 1.3 बिलियन पीपल मोर देन दैट So there is a market for everything if you are good in what you do. अगर आप अपने काम में best हैं तो there is no that's 100% true words. देखिए ये जो इन्होंने बताया ना ये कहते हैं ना कि 100 बातों की एक बात एक बड़ी देसी कहावत है और वो इन्होंने जो बताया वो it's 100% true.